नमस्कार दोस्तों, स्टॉक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है वो कल हमें अच्छी रैली मूवमेंट यानी देखने को मिल सकती है, तो वो स्टॉक्स यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, आज जो मार्केट वैसे कि नेगेटिव था पूरा दिन, तो हमारे जो लेवल थे वो इतने वर्क नहीं हुए। तो लेवल वर्क नहीं हुआ तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमें उस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो आज पूरा दिन मार्केट नेगेटिव था, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देख सकते हो कि 38,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है, और निफ्टी की जो है क्लोजिंग थी 17,873 के आसपास, यानी ये भी 18,000 से नीचे आ गया है। तो अभी कल के लिए मैं आपको एक तो बाइंग के स्टॉक्स भी दूंगा और यहाँ पे सेल साइड के भी स्टॉक्स, अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो हम लोग सेल साइड के स्टॉक्स भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो स्टॉक्स हम लोग बाइंग साइड के यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगा और एक सेल साइड का है, यानी अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो हम लोग उसमें सेल करके जा सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा स्टॉक्स है। तो आज का हमारा पहला स्टॉक्स है क्रिशियल। दोस्तों, क्रिशियल में आज देखिए एक अच्छा सा एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे कल हो सकता है। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन इस स्टॉक्स को कल आज के हाई के ऊपर निकलता है तो हम इसमें कल ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अच्छा खासा इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कल तो काफ़ी अच्छी रैली कल हमें देखने को मिलती है। कल तो हम इसको हम कहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है। कल इसको हम 3190 को जैसे ब्रेक करता है हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है 3215, सेकंड टारगेट है 3240। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग, 3165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। तो ये था क्रिशियल, जो कल हमें इसमें नज़र बनाए रखनी है इंट्राडे के लिए, हमारी वॉच लिस्ट में हम लोग जरूर एड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक से है हमारा दोस्तों इंडसइंड बैंक, इसमें भी एक कैंडलस्टिक अच्छी बनी है, तो वहाँ पे भी मैं आपको तो इसको भी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, सॉरी टाइटन में इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडसइंड बैंक ने एक अच्छा सपोर्ट एरिया के आसपास में इसने एक, यहाँ पे देख सकते हो डोजी टाइप यहाँ पे इसने एक कैंडल मतलब न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे इसने बनाया है, तो इसको हम कल लेके यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के आसपास, तो इसमें हम कल इसका जो हाई है वो ब्रेक करता है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक को हम लोग बाय करेंगे 1036 को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट है 1044, सेकंड टारगेट है 1051, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1030, 1030 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसको जो सेकंड टारगेट है उसके लिए हम लोग जा सकते हैं, जो कि 1051 का टारगेट है। जो आज का आखिरी स्टॉक है वो है HDFC, जो कि सेल साइड का हमारा स्टॉक है। इसमें मैंने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स में काफी गिरा, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था इसका ब्रेकआउट हुआ है, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा सपोर्ट था इस लेवल के आसपास,
इस सपोर्ट को, और यहाँ से फिर रिटेस्ट यहाँ पे हुआ है, और रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ पे फ्लैग पैटर्न टाइप इसने बनाया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको भी, तो अभी इसको जैसे इस बड़ी इंगल्फिंग कैंडल इसने बनाई है, तो इसको जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो हम इसमें सेल करके चल सकते हैं इंडसइंड बैंक में, सॉरी इंडसइंड बैंक में, HDFC CMC, तो थोड़ा मिस्टेक है बोलने में, 2646 को अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम इसमें सेल करके जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है हमारा 2635, सेकेंड टारगेट है 2620 के लिए हम लोग इसमें सेल करके चल सकते हैं HDFC AMC। ठीक है, ये स्टॉक्स हमारा आज इसके ऊपर सेल साइड में ये स्टॉक्स है, और एक ही स्टॉक से मैंने लिया है पिक किया कि मार्केट अगर नेगेटिव रहता तो ये स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं जैसे हमारे लेवल ब्रेक होते हैं। तो अगर मार्केट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव ट्रेड जो हमारे बाइंग साइड के ट्रेड थे वो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें जो ये तीन स्टॉक्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, इसमें जैसे भी आपके लेवल ब्रेक होते तो आप अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। ये सिर्फ वीडियो हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो इसमें ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में स्टॉक और बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट भी पोस्ट करता हूँ, और वहाँ पे कुछ इंट्राडे कॉल्स भी देता रहता हूँ, तो आप भी वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये थी दोस्तों कल के लिए स्टॉक की वीडियो। वीडियो के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।